हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी सुबह का टाइम है, मैंने घर का सारा काम कर लिया है, खाना भी बना लिया है और कपड़े वगैरह सारा घर का काम करके फ्री हूँ। और बच्चे स्कूल चले गए दोनों, वो सुबह ही चले गए थे, इसलिए सुबह का ना इतनी जल्दी मैं सुबह सूट नहीं कर पाती, क्योंकि उठती हूँ, उन्हें तैयार करती हूँ, लंच बनाती हूँ, तो इसी में मेरा बहुत सारा टाइम चला जाता है। तो मैंने सोचा अब सूट कर। तो गाइस, जैसे कि मैंने काम तो सारा कर लिया है और आज मैंने बनाई थी छोले की सब्जी। तो बच्चे सुबह तो पराठा लेके चले गए थे, लेकिन वो बोल के गए थे कि आएंगे ना तो हमें ना भटूरे खाने हैं छोले की सब्जी के साथ, तो अब मैं बनाऊंगी उनके लिए भटूरे। तो सब्जी तो मैंने सुबह ही बना ली थी, वो लंच लेके चले गए थे, लेकिन अभी वो बोल के गए थे कि हमें ना भटूरे खाने हैं, आप इतना हमारे ना इतना भटूरे बना के रखना। तो मैं भटूरे बनाने की तैयारी करूंगी। ये रही मेरी छोले की सब्जी बना दी थी, ये तो मैंने सुबह ही बना ली थी, लेकिन बच्चों को खाने हैं छोले की सब्जी के साथ भटूरे। अब मैदा गूंद के रख लूंगी उसको, और फिर वो आएंगे ना तो तुरंत बना दूंगी, इतने ना थोड़ी वो अच्छी हो जाएगी और भटूरे फूल के अच्छे बन जाएंगे। तो अभी मैं बनाऊंगी भटूरे उनके लिए, दोनों के लिए, नहीं तो आज ना वो आके ना गुस्सा हो जाएंगे, ना कुछ खाएंगे। ये मैंने डाल लिया मैदा, मैं बस मैदा उधर करूंगी पानी गरम, बस दोनों बच्चों के लिए ही बनाने हैं, मुझे पसंद नहीं है तो मैं तो नहीं खाऊंगी, बस दोनों बच्चों के लिए बनाने हैं, तो इसलिए इतनी मैदा बहुत हो गई। इसमें नमक डाल लूँगी और थोड़ी सी ईनो डाल लूँगी, इसमें ईनो से क्या होगा, ये ना फूल जाएंगे। तो गाइस, मैंने मेरी मैदा गूंद ली है, अब जैसे ही बच्चे आएंगे मैं दीपांशु को लेके आऊंगी, पहले ढिल्लू को, ढिल्लू आते ही भूक भूक करेगा, तो उसको मैं फिर तुरंत मैदा गूंद के तैयार हो गई, बस ये बनाने बाकी रह गए हैं, तब वो आएंगे तब बनाऊंगी। तो गाइस, अब मैं जाऊंगी दीपांशु को लेने, क्योंकि उसका टाइम हो गया है, 12 बज गए हैं, तो अब मैं जाऊंगी उसको लेने। तो गाइज, ये आ गया है स्कूल से, इसका मुंह देखो, इसका मुंह देखो कैसा लग रहा है, इसका मुंह देखो, ये ढिल्लू है हमारा, इसका मुंह देखो, इसका मुंह देखो, इसका मुंह। तो गाइस, ये मैंने बना दिए हैं दीपांशु के लिए और सिया के लिए, तो सिया तो अभी आई नहीं है, हम दीपांशु आ चुका है, मैं खिलाऊंगी ढिल्लू को, ये ढिल्लू अब ये वो खाएगा, बहुत देर होगी इसको भूख लगी है, खाना खाएगा। हाँ, बस ही। तो गाइस, ये कपड़े चेंज करके अपना खाने बैठ गया है, खा रहे हो, कैसे हैं? हाँ, मस्त मस्त है, मस्त लग रहे हैं ना, खा ले जल्दी, ये बदमाशी मत कर, अच्छे से बैठ के खा ले, साइड करूँ ये फोन क्यों शर्म आ रही है, खाना खा रहा है तू। गाइस, ये बोला कि साइड कर ले फोन, ने मेरे को शर्म आ रही है खाने में, थैंक यू तो बोल दे मम्मा, थैंक यू। हाँ, ये मेरे को थैंक यू बोला है, तो अब खा ले जल्दी बैठ के, सारा फिनिश कर दे। दे।
गाइस देखो ये ऐसे काम करता है। अब इसने ना यहाँ पे पानी खंडा दिया तो पिटने के मारी ना गाइस ये पोचा लगा हुआ है। लगा पोचा लगा पहले खिंडाया क्यों था नू बता, खिंडाया क्यों था? पिटन पिटन कटर था लगा हुआ है पोचा हूं तो यो ना लगा होगा पोचा, रख दे मैं लगा लूं। तो वैसे अभी शाम हो गई है और मैं आई हूँ अभी ऊपर कपड़े उतारने, क्योंकि मैंने धोए थे आज कपड़े, धूप भी बहुत अच्छी थी तो मैं कपड़े उतारूंगी। मेरे कपड़े भी सूख गए सारे, दिखाओ ये सूखन लग रहे कपड़े और कि मैं ऊपर सुखा रखे हैं वे उतार के लाऊंगी क्योंकि अब शाम हो गई है। ये सूख रहे कपड़े, ये पढ़ाई कर रहा है कल ले ऐसी है, इसका पढ़ने का टाइम है और ये अभी पढ़ाई कर रहा है। ये डी फॉर डॉग, ये देखो इसकी नोटबुक क्या क्या बनाए रखा है ये अपनी नोटबुक। ये बनाना नहीं आता, बना कोशिश कर, हाथ पकड़ के बस, छोटा बच्चा है क्या? कर ले बेटा कर, करके दिखा। एक पहले वन लिख, वन पहले वन बना, और बड़ा थोड़ा और बड़ा थोड़ा और बड़ा, हाँ अब ऐसे कर दे, अब ऐसे कर दे, बस छोड़ दे छोड़ दे, अब इसको ऐसे कर दे यहाँ से, यहाँ से, हाँ मना उल्टा बना दिया, इरेज कर, इरेज रखा है तेरी उधर रखी है, लेके आ मैं लेके आऊं, तू क्यों नहीं लेके आएगा? काम कर रहा है, अच्छा पोछा लगा के आया है वो भी, अच्छा मम्मी जाएगी, तू पोछा लगा के आया है या? अच्छा तू सिया सही है, तू बंदा है, कौन बोलता है ऐसे? फिर तू किसका बेटा है? मम्मी कहा असिया, और गाइस ये ना सुबह ऐसे बोला अपने पापा को, हमेशा मतलब मुझे और इसको गुस्सा करते हो, सिया को अनोनू को गुस्सा नहीं करते, मतलब इसके चाचा को और मे इसकी बहन को गुस्सा नहीं करते, बस मम्मी को और किसको गुस्सा करते हैं? हाँ बस दो ही जनों को गुस्सा करते हो, हमें क्यों गुस्सा करते हो, उन्हें भी गुस्सा किया करो, है ना? हाँ तो गाइस अब ये सीरियस होके काम करने लग गया है। हाँ वेरी गुड, अब ऐसे करो यहाँ से, हाँ एक ऊपर करो यहाँ पे, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। ई फॉर एलिफेंट, ई क्या है ई, लिखो अब यहाँ पे लिखो, आज तो ये सीरियस होकर पढ़ाई कर रहा है। और नहीं अभी बोल रहा था मम्मी मैं काउंटिंग गिन रहा हूँ आप मेरा काम करो, बस इतना बड़ा नहीं करना बस छोटा करना है, हाँ और सीधा, ये टेढ़ा किया है तूने, सीधा कर बस, अब ऊपर, हाँ गाइज ऐसा कोई बच्चा होगा बोल रहा है कि ना मेरा पैर बोर हो गया, बुक रखे रखे बता, इसका पैर भी बोर हो जे है, आदमी तो बोर होते सुने हैं पर पैर बोर होते नहीं सुने मैंने, काम करता करता भी बोर हो रहा है, पढ़ाई करते करते बोर हो जे है, कैसे बोर हो हुआ तेना पता है? कैसे कैसे बोर हो हुआ है? ऐसे बोर हो जे है, तू तेरा बात करने जी करा लग जे है, काम कर ले, क्या घंटे हो गए बैठे बैठे बोर हो रहा है पढ़ाई करते करते, ठीक है मैं तेरे पापा दौर भेजूंगी
और कहूंगी ये पढ़ाई करते करते बोर हो गया है। तू तेरा काम कर ले सिया। कोई बात नहीं, वो थक रही है, सोने दे। तू तेरा काम कर, काम कर, बोर हो रहा है ना। स्मार्ट है तू, कर ले बेटू, आ जा। वो पढ़ दे, बोर हो रहा है। वो तेरी बुक पे पैर रख दिए सिया ने।